में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। राजस्थान की सियासत में बड़ी हलचल देखी गई है, जहां पर कल हाई कोर्ट का फैसला तो सचिन पायलट को लेकर आना है, लेकिन इस बीच राजनीतिक दल पूरी तरह से अब कमर कस दिए हैं और ऐसा लग रहा है कल का इंतजार नहीं करने वाले हैं। अभी अभी मिली खबर के अनुसार राज्यपाल के पास दावा पेश करने का 102 विधायकों के साथ यहां पर जो देखा गया है गहलोत को, लेकिन इस बीच कुछ ऐसी खबरें हैं मैं आपको दिखाऊंगा जिससे साफ तौर पर लग रहा है कि कल तक का इंतजार नहीं करना चाह रही है कांग्रेस। और इस बीच सचिन पायलट भी अपनी तरफ से पूर्ण रूप से अब सामने आ गए हैं खुलकर कांग्रेस के। चलिए इससे पहले मैं वीडियो को दिखाऊं, अनुरोध करूंगा पूरी वीडियो देखिएगा और शेयर और लाइक जरूर करिएगा। बता दूं आपको, पहला शुरुआत करूंगा उस ट्वीट से जिस ट्वीट से आज पता चल जाएगा कि कांग्रेस पार्टी क्या कुछ कर रही है अपने विधायकों को, जो अन्य पार्टी के उनको अगवा करके विधायकों को पुलिस में उसमें बंद करके किस प्रकार से फोटो सेशन कराए जा रहे हैं। एक आपके सामने ट्वीट है अशोक गहलोत का ट्वीट, ध्यान से पढ़िएगा। इसमें एक पार्टी का नाम लिखा हुआ, भारतीय ट्राइबल पार्टी BTP के दोनों विधायकों ने उनकी प्रदेश कार्यकारिणी के पदाधिकारी के साथ मुलाकात कर अपने मांग पत्र के साथ चर्चा सरकार को समर्थन देने की घोषणा की है। ये तस्वीर शेयर किया गया है खुद मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के द्वारा। अब थोड़ा समझिएगा, उसका लिए चलता हूँ राज्यपाल के दावे की तरफ। ये जो ये दावा किया गया है भारतीय ट्राइबल पार्टी की जो बात कर रहा हूँ, ये भारतीय ट्राइबल पार्टी के दो नेताओं में से एक नेता का वीडियो जो मैंने आप अपने चैनल पर दिखाया था, वो गाड़ी में जा रहे थे और वो कह रहे थे हमें कांग्रेस पार्टी ने पुलिस वालों ने इस तरह से घेर रखा कि हमें पूरी तरह से कहीं निकलने नहीं दिया जा रहा, हमें बंधक बनाकर रखा गया है। अब ये फोटो क्या बंधक बनाकर रखा गया, क्योंकि इसकी कोई वीडियो नहीं सामने आई है, सिर्फ तस्वीरें सामने आई हैं। लेकिन वो जो मैंने आपको वीडियो दिखाया था जिसमें ये ट्राइबल पार्टी का नेता खुद कह रहे थे कि हमें यहाँ बंधक बनाकर रखा गया है, क्या राजनीति को सत्ता में लाने के लिए आज कांग्रेस जोर जबरदस्ती पर उतर आई है, उगाही पर उतर आई है, अपहरण करने पर उतर आई है, सब कुछ साफ है। हम इस बात को डंके की चोट पर कह रहे हैं कि ये जो ट्वीट है जिसमें भारतीय ट्राइबल पार्टी की बात की जा रही है और दोनों विधायक की बात करी जा रही है, इसमें एक विधायक का वीडियो वायरल हुआ है जिसमें उसने साफ तौर पे कहा है कि हमें बंधक बनाकर पुलिस रखे हुई है और कांग्रेस कहीं ना कहीं यहाँ पर हमें बाहर नहीं निकलने जा रहा, होटल में एकदम पूरी तरह से चौकस सुरक्षा व्यवस्था के बीच अगर हमें कहीं ले जाया जा रहा है तो पुलिस की कड़ी व्यवस्था के बीच ले जाया जा रहा है। इस बीच ये गहलोत का ट्वीट बहुत कुछ कहता है, ये कहता है कि साहब अब खेल हो चुका है, दूसरों पर खरीद फरोख का आरोप लगाने वाली कांग्रेस आज खुद उसका जो पूरा का पूरा कच्चा चिट्ठा है वो खुलकर सामने आ गया है, उसका चाल चरित्र और चेहरा सब कुछ बेनकाब हो चुका है। अब लिए चलता हूं आपको कि क्या कुछ चल रहा है आज वहां की राजनीति में और कैसे मुलाकात किया 102 विधायकों के बहुमत की सूची लेकर, मैं बता दूं आपको, क्योंकि 19 से 20 विधायक सचिन पायलट खेमे के सचिन पायलट के साथ हैं, इसीलिए अब जब ये दो विधायकों किसी प्रकार से मना कर बुझा कर या पैसे देकर के खरीदने के बाद ये 102 विधायक की सूची लेकर ये पहुंचे हैं, क्या कुछ हुआ राज्यपाल के मुलाकात के लिए और बहुमत का दावा क्या किया गया है राज्यपाल के, राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की आज राजभवन में मुलाकात हुई है और राजभवन में राजपाल से मुलाकात के पास उन्होंने बहुमत का दावा किया है। और गहलोत अब ये नहीं चाहते हैं कि वो सोमवार तक का कोर्ट का वेट किया जाए, उससे पहले किसी न्यायिक प्रक्रिया से पहले वो सरकार को मजबूत बनाने की पूरी तरह से कवायद में लग चुके हैं, इसलिए उन्होंने 102 विधायकों को सूची जिसमें भारतीय ट्राइबल पार्टी के दो विधायक हैं उनको लेकर समर्थन देने के लिए ये साफ तौर पर ये दिख रहा है। आप समझिएगा वो वीडियो में आप सर्च कर लेंगे भारतीय ट्राइबल पार्टी की वीडियो जिसमें वो उनको अपने खुद वो आके बोल रहे हैं कि मुझे यहाँ पर कांग्रेस और पुलिस वालों ने पूरी तरह से गिरफ्तार करके बैठ रखा हुआ है, नजरबंद करके रखा हुआ है। मैं आपको बता दूं आज विधानसभा का समीकरण क्या बन रहा है। विधानसभा समीकरण के मुताबिक विधानसभा अध्यक्ष को मिलाकर कांग्रेस में 100 विधायक अशोक गहलोत के पास है। भारतीय ट्राइबल पार्टी के दो विधायक के समर्थन देने के बाद गहलोत समर्थक विधायकों का आंकड़ा 102 हो जाता है।
200 की विधानसभा में सरकार गठन के लिए 101 विधायक का समर्थन आवश्यक है। वहीं भारतीय जनता पार्टी के पास 72 विधायक है। राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के 3 विधायक हैं, मतलब बीजेपी संगठन के पास कुल 75 विधायक हैं, जबकि सचिन पायलट के पास 19 विधायक हैं। अब समर्थन जो 3 निर्दलीय विधायक हैं और मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी एक विधायक है, इसमें इस तरह से सचिन पायलट के पास कुछ 23 विधायक हैं। अब अगर हम 75 को 23 में करते हैं तो 98 विधायक होते हैं कुल। और अगर भारतीय ट्राइबल पार्टी को जो कैप्चर करके रखा हुआ है, अगर वो विधायक आ जाते हैं बीजेपी के पास, क्योंकि उन्होंने साफ तौर पे कहा है कि हमें यहाँ बंधक बना के रखा गया है, 98+2 यानी कि 100 विधायक बीजेपी के पास और 100 विधायक कांग्रेस के खेमे में, इसमें मामला टाई होता दिख रहा है। और मामला टाई होने के चक्कर में दो विधायकों को जो ये ट्वीट साफ तौर पे कह रहे हैं, जो ट्राइबल पार्टी के हैं, वो दो विधायक खुद को कहे थे कि मुझे बंधक बना के रखा गया पुलिस द्वारा। अगर वो विधायक सामने खुली तौर पे आते हैं या उनको खरीद फरोख्त किया गया है, तो कहीं ना कहीं जो कांग्रेस पार्टी दूसरों पर खरीद फरोख्त का आरोप लगा रही थी, वो कांग्रेस पार्टी आज खुद खरीद फरोख्त के लिए साफ तौर पर यहाँ देखा जा रहा है। आखिर क्या बात हुई कि 4 दिन पहले उसी पार्टी का विधायक, जहाँ की वहां 2 लोग हुए, एक विधायक आके वीडियो कहता है कि मुझे कांग्रेस पार्टी ने यहाँ पर नजरबंद करके रखा हुआ है, आज वो विधायक समर्थन कैसे दे सकता है? बड़ा गेम है साहब, रुपया 15-20 करोड़ की बात कर रहे थे खुद गहलोत, और आज गहलोत और इसको लेकर के खुद को अब जवाब देना पड़ेगा, कांग्रेस पार्टी को, राहुल गांधी को, सोनिया गांधी को। आप क्या कहते हैं कमेंट बॉक्स में आप जरूर दें, बता दें आपको कुल मिलाकर राजस्थान के पिछले दिनों कांग्रेस के सरकार में लेकर सियासी रस्साकसी चल रही है। गहलोत सरकार को गिराने की कथित साजिश मामले में राजस्थान पुलिस स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप जो है एसओजी ने एक्शन लिया, यहां तक इस मामले में पूछताछ में एसओजी के मुख्यमंत्री और गहलोत सीएम को भी वहां पर, मुख्यमंत्री गहलोत ने डिप्टी सीएम तक को वहां पर नोटिस जारी करके सीएम पूछताछ के लिए राजी हो गए, जबकि सचिन पायलट नाराज हो गए और समर्थकों के साथ दिल्ली में डेरा डाले हुए हैं। अशोक गहलोत ने सचिन पायलट के बीजेपी के साथ मिलकर राज्य को सरकार गिराने का आरोप लगा रहे हैं, और कांग्रेस विधायक दल की बैठक में सचिन पायलट को डिप्टी सीएम पद से हटाने का फैसला किया गया था। उनमें करीब 2 मंत्रियों को भी हटाने का यहां पर निर्णय लिया गया था। समझिएगा पूरा का पूरा खेल, ये खेल बहुत कुछ बयां कर रहा है और क्या कुछ होगा आगे आने वाले दिनों में ये तो वक्त बताएगा। लेकिन मैं आपसे चाहूंगा इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिएगा, हर एक फोन तक पहुंचाइए, और कांग्रेस की जो सच्चाई है, जो कांग्रेस अभी लोगों को बेनकाबा करने के झूठ बोल रही है, आखिर वो दो पार्टी जो ट्रिब्यूनल पार्टी के हैं, जो लोग हैं, उनका वीडियो खुद वायरल हुआ था, खुद कह रहे थे गाड़ी में वीडियो वायरल करा था कि हमें यहाँ बंधक बना के रखा हुआ है, तो आज 4 दिन में वो मामला सुलह कैसे हुआ? कुछ तो माया का खेल है, और इस माया के खेल में कौन साफ कौन सच्चा कौन झूठा ये तो ऊपर वाला जाने या ये पार्टियाँ जाने, बाकी आने वाला वक्त बताएगा। वीडियो खत्म करूंगा, बने रहो इन्फॉर्मेशन के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।